वो अजय केड़िया तेरे भेजे में सब भसड़ मचा के गया है ना, इसीलिए तू ये सब भाषणबाजी कर रहा है। साफ साफ क्यों नहीं कहता है, वो जो तेरे को उंगली करके गया है वही उंगली तेरे को उसके पिछवाड़े में घुसाने गया। अपने ऑफिस में किसी को मालूम भी है कि मनी मार्केट क्या होता है? कोई सॉलिड प्लान है तेरे दिमाग में? ये क्या ना सही सवाल। देखो, शेयर मार्केट और मनी मार्केट में ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें शेयर के बजाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, PSU बॉन्ड्स, यूनिट्स, इन सब में लेन देन होता है। किसी भी कंपनी के शेयर की सही समझ कंपनी से ज्यादा ब्रोकर को होती है। उसी तरह मनी मार्केट में कौन सी बैंक को कब सिक्योरिटीज चाहिए, कब पैसा चाहिए, कहाँ से मिलेगा, ये सब ब्रोकर को पता रहता है। हमारा काम है डिमांड और सप्लाई को मैनेज करना। मनी मार्केट के हर ट्रांजेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है SGL नोट। SGL यानी सब्सिडरी जनरल लेजर। अब मान ले कि मैं तेरे से 1000 यूनिट्स खरीदता हूँ तो तू उसके बदले में मुझे एक SGL नोट देता है। वो SGL मैं RBI के PDO यानी पब्लिक डेट ऑफिस में डिपॉजिट कर सकता हूँ। PDO के पास तुम्हारे सारे यूनिट्स का हिसाब होता है। ब्रोकर्स, बैंक, सबको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है और उन सबका कहना है कि SGL की वजह से ट्रांजेक्शन स्लो हो जाता है, तो हम SGL के बदले BR का उपयोग करें। BR मतलब बैंक रिसीट। मतलब अब ट्रांजेक्शन्स SGL के बिना हो सकते हैं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अब एक बैंक दूसरे बैंक को सिक्योरिटीज बेचेगा तो सिंपली एक रिसीट दे देगा ये कहकर कि हाँ मेरे पास सिक्योरिटीज है।